शाम को ही दोहा पहुंचा और मेरा पहला कार्यक्रम है आप लोगों से मिलना। आप में से पहले मुझे मिले होंगे, ऐसे तो कोई होंगे नहीं। मैं प्रधानमंत्री न भी होता और हिंदुस्तान से आया हूँ इतना सा पता चलता, तो भी आप लोगों के मन में एक विशिष्ट भाव पैदा होता कि चलो भाई अपने यहाँ से कोई आया है। जब बाहर रहते हैं तो अपने देश से कोई आया हो, अपने इलाके से आया हो, अपनी भाषा बोलने वाला आया हो, तो ऐसा लगता है जैसे अपना कोई आया है और मन करता है उसको पूछे भाई क्या हाल है। आज व्हाट्सएप से पता चलता होगा, इंटरनेट से हर चीज की मिनट टू मिनट खबर रहती होगी, फिर भी मन करता है कि कोई अपना आए तो जरा पूछे तो भाई क्या हाल है। तो मैं भी आपको हाल सुनाने आया हूं। इस बार सबसे अच्छी खबर ये है, कहते हैं कि मौसम बहुत अच्छा होने वाला है, बारिश बहुत अच्छी होने वाली है, और जब बारिश अच्छी होने वाली है खबर आती है तो खुशियों का पार नहीं रहता है, क्योंकि आप सब लोग किसान परिवार से ही आते होंगे, आपके परिवार में कोई न कोई खेती से जुड़े हुए होंगे। तो इस बार क्योंकि दो साल से हमारे देश में सूखे की स्थिति रही, इस वर्ष अच्छी मौसम की खबर ने एक नई चेतना जगा दी है। मैं यहाँ के डॉक्टर मित्रों का बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर बड़ी प्रतिष्ठा भरी जिंदगी जीते हैं, भारत से कमाई भी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत से जो वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए वो लगातार हेल्थ चेकअप के कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे लोग अकेले रहते हैं। कभी कभी अकेलेपन का भी एक बीमारी होती है, कभी कोई पूछ ले कि भाई क्या हाल है तुम्हारा, पीठ पे हाथ रख के पूछ ले तो आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है। और जब अपना कोई डॉक्टर जो हमारी भाषा बोलता है, हम जैसे सोचते हैं वो सोचता है, वो जब हमारा हाल पूछता है तो आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है। तो इन सभी डॉक्टर मित्रों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि लगातार इस काम को वो करते आए। मैं अभी जब मेडिकल चेकअप चल रहा था तो मैं पूछ रहा था मेजर क्या प्रॉब्लम है यहाँ वर्कर्स के। ज़्यादातर मेरे ध्यान में जो बातें आई वो तो एक काउंसलिंग की बड़ी आवश्यकता है ऐसा बोलते हैं। इस प्रकार की हार्ड वर्किंग, उसमें कैसे अकेली जिंदगी बिताना। दूसरी बात मुझे बताई कि डायबिटिक का बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर, ज़्यादातर होता क्या है कि जब अकेले रहते हैं बहुत मजदूरी करते हैं तो बाद में फिर मन करता है जो भी आए डालो, और उसके कारण बीमारी आती हैं।
मुझे ये भी अच्छा लगा कि हाँ वेलनेस सेंटर भी चल रहा है जिसमें योग प्राणायाम रिलैक्सेशन टेक्निक। मेरा तो इसमें बड़ा विश्वास है, अगर आप भी अपने जीवन में 15 मिनट 20 मिनट इसके लिए लगाएंगे तो बहुत सी सारी आपकी समस्याओं का समाधान अपने आप खोज लेंगे। और यहाँ ट्रेनिंग मिलती है आपको, लोग सिखाते हैं। भारत का नाम दुनिया में रोशन इसलिए नहीं होता है कि देश में प्रधानमंत्री कौन है, सरकार किसकी है। भारत का नाम दुनिया में रोशन इसलिए नहीं होता है कि हमारी एम्बेसी कैसी है, एम्बेसडर कैसे हैं, मिशन में कैसे काम होता है। पूरे विश्व में भारत की छवि बनती है भारतीयों के आचरण के द्वारा, उनके व्यवहार के द्वारा। आज विश्व में भारत की जो पहचान बन रही है उसका मूल कारण आप लोग हैं, आपका व्यवहार है, आपका आचरण है। इसके कारण आज विश्व में भारत की आपने अपना जीवन ऐसे जिया है, जिस देश में गए वहां के लोगों का प्यार पाया है आपने, अपने काम के द्वारा, अपने व्यवहार वाणी वर्तन। और यही सबसे बड़ी पूंजी है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस अमीर भारत आए थे और जब मैं उनसे बात कर रहा था, बार बार एक बात का बड़े गर्व के साथ उल्लेख करते थे। वो कहते थे, भाई भारत के लोग जो हमारे यहां रहते हैं, काम करते हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, उनको हमने इतना अपनापन महसूस होता है। यानी यहां के हिज हाइनेस भी भारतीय समाज की इतनी तारीफ करते हो तो उसका कारण कई वर्षों से जो भारतीय समुदाय यहां रहता है, आप लोगों ने अपना जीवन जिस प्रकार से जिया है उसका कारण है कि आज देश और दुनिया हम भारतीय लोगों पर गर्व करती है। और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपकी कई समस्याओं से मैं भलीभांति परिचित हूं। जब भी यहां के शासकों से मेरा मिलना होता है मैं आपकी कठिनाइयों का जिक्र करता हूं। जो कंपनियों के द्वारा आप आते हैं उनके द्वारा भी जो कठिनाइयां पैदा होती हैं कभी कभी, उससे भी भलीभांति परिचित हूं। एक लंबी सूची मुझे बताई गई कि आप लोगों के ये प्रॉब्लम है। मैंने इन सबको गौर से देखा है और दो दिन के मेरे यहाँ के वास्तव्य के दरमियान, क्योंकि यहाँ के शासनकर्ता भी भारतीय समुदाय को बहुत प्यार करते हैं, उन पर एक बड़ा भरोसा है उनका, और मुझे विश्वास है कि उनके सामने जब भी कोई चीज रखते हैं तो उसका समाधान वो खोजते ही है। अब तक जब भी मैंने जो कुछ भी कहा है
उसका मुझे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ है और इसलिए मुझे विश्वास है कि आपकी जो छोटी मोटी चीजें हैं आपकी, जिसके लिए आपकी अपेक्षा है कि कुछ नियमों में बदलाव हो, कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तरफ से भरसक प्रयास रहेगा। आपकी कठिनाइयों के रास्ते खोजने में मैं भी आपका एक साथी बन के काम करूंगा। मैं आप सबके स्वास्थ्य के लिए शुभकामना देता हूं और मैं आशा करता हूं कि मेहनत जरूर करें लेकिन मेहनत के साथ साथ अपने शरीर को भी उस हिसाब से सज्ज रखना चाहिए। जिस गाड़ी से हमें चलना हो अगर उस गाड़ी में ठिकाना न हो तो फिर हम कैसे पहुंचेंगे। तो शरीर जो है इसी के तो सहारे आगे बढ़ना है, तो आप उसका पूरा ख्याल रखेंगे। फिर एक बार आप सबसे मिलने का मुझे अवसर मिला, कल शाम तक मैं यहाँ हूँ। बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय समुदाय यहाँ है। इन दिनों एम्बेसी के द्वारा भी कई प्रोएक्टिव चीज़ें होती हैं। आप लोग भी सीधा मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो भी मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप अपने मोबाइल फोन में नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड कर दीजिए या mygov.in, इस पर जाकर के आप मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी बात बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपके सुख दुख के साथी बनकर के आपकी समस्याओं का समाधान करूं। आपको, आपके परिवारजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। महाकवि कालिदास ने कलिंग के राजा को लॉर्ड ऑफ द सी महोदधिपति कहा था। कालिदास ने यहां का वर्णन ऐसा कहा और कलिंग का प्राचीन बंदरगाह ये हमारा बालेश्वर शहर हुआ करता।